तसव्वुफ और इश्क हकीकी और सूफी कलाम पढ़कर दुनिया में इज्जत और मोहब्बत समेटने वाली आबदा परवीन का आज यौम पैदाइश है। वो 20 फरवरी 1954 को लाड़काना में पैदा हुई। इनकी आवाज़ में सुकून मुसरत की ऐसी चाशनी है कि इनके मद्दा बैरून मुल्क में भी पाए जाते हैं। साल 2022 में जर्मन सफीर ने अपने एक्स अकाउंट पर आबदा परवीन को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी थी और लिखा था कि वो इनकी सुरीली आवाज़ के मद्दा हो गए हैं। उन्होंने इनकी तारीफ में मजीद लिखा कि उर्दू जबान ना समझने वालों के दिलों पर भी आबदा परवीन की मौसीकी सहर तारी कर देती है और सूफियाना मौसीकी में आपका कोई सानी नहीं। पाकिस्तान सूफी मुस्लिम मौसीकार और कंपोजर आबदा परवीन की गायकी और मौसीकी की वजह से इनको सूफी मौसीकी की मलका भी कहा जाता है। उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद गुलाम हैदर से हासिल की और रेडियो पाकिस्तान से आगाज किया। उन्होंने सिंधी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, बलोची और दीगर जबानों में भी गाया। उनकी शानदार गायकी पर उनको 2005 में सितारा इम्तियाज और 2012 में इनकी फनकाराना खिदमात के एतराफ में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। उनकी गायकी का एतराफ करते भारत की बेगम अख्तर अकेडमी ऑफ गजल की तरफ से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया। उनके मशहूर कलाम में जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, यार को हमने जा बजा देखा, अरे लोगों तुम्हारा क्या, और तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया और बेशुमार गायकी के शाहकार शामिल हैं।